दशहरे के पर्व का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बाद दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का अंत किया था। माँ दुर्गा ने भी राक्षस महिषासुर का इसी दिन वध किया था। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक मानते हुए इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, जो कल यानी 5 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से सारनी मंगल भवन एवं पाथाखेड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में चल रही है। फल फ्रूट के दुकान लगाता हूँ, वो भी बाजार में चिलर चिलर टाइप में बेचता हूँ। जो रावण बनाया जा रहा है दशहरे के दिन में, इसका कार्यक्रम कैसा रहेगा, कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या मटेरियल सामग्री? सब बात हो गए, सब सूखा वाला बात रहता है, गीला भी बात रहता है, उससे सब बच्चे लोग भी रहते हैं उनके साथ, पटाखा दशहरे के दिन डालते हैं। कितने पटाखे लगाए जाते हैं? पटाखा कम से कम कितने दिन समय लग जाता है इसको तैयार करने में? कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। कितने वर्षों से बनाते आ रहे हैं? ये करीब करीब 15-16 साल हो गया जी। दिन में मैं अपना दुकानदारी करता हूँ, उसके बाद रात में 12-1 बजे तक ले बनाता हूँ। कितने कर्मचारी लग जाते हैं बनाने में? 4-5 लड़के ये लोग लगते हैं बस। बहुत उत्सव के साथ में दशहरे का कार्यक्रम आयोजित होता है। और भी दर्शक हैं हमारे साथ में, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि पाटिल साहब आप बताइए कि यहाँ पर जो दशहरे का जो कार्यक्रम होता है, रावण दहन का कार्यक्रम होता है, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? देखिए, रावण दहन तो हमारे यहाँ जो है विगत 16 साल से हो रहा है और ये 17वां साल है। और यहाँ पर जो हमारा जो ग्राउंड भी है, यह भी धीरे धीरे प्रोग्रेस किया नगर पालिका का, इसमें सहयोग रहा है। और फटाखे वगैरह भी हम लोग जो लगाते हैं, सारे फटाखे जो है ऐसे रहते हैं कि जो आकाशी नीचे फूटने वाले को फटाखे रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग बड़े सद्भावना के साथ जो है हम लोग भाईचारा होकर के रावण का भी हम लोग ग्रहण करते हैं। यहाँ समिति के ही सदस्य लोग पूरे मिल करके जो है यहाँ पर रावण का निर्माण करते हैं, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आ करके निर्माण नहीं करते। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर दर्शक लोग कितनी तादाद में आते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड जो है यहाँ पर भरा हुआ रहता है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है दर्शक लोग हैं। कितने वर्षों से मनाते हैं? ये 16 साल हो गए हमको यहाँ, 17वां साल। इस बार क्या तैयारी की गई? इस बार पिछले साल जैसी तैयारी हमारी, कोई परिवर्तन नहीं किया बस। बता दे कि इस बार सारनी में लगभग 30 फीट और पाथाखेड़ा में लगभग 20 फीट के रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। सारनी से राम क्रेश हनोते के साथ सुनील गोड़ाने की रिपोर्ट, SCN News India।